हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देने का संकल्प लें। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसमें विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और पहचान में इसके योगदान का सम्मान किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में ज्ञानवापी को विश्वनाथ धाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञानवापी ही विश्वनाथ धाम है, इसे मस्जिद कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये बात आदि शंकराचार्य की वाराणसी में भगवान सदाशिव द्वारा परीक्षा लेन की एक पुरातन कथा का वर्णन करते हुए कही। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आदिशंकर के मुंह से निकलता है, हटो मेरे मार्ग से हटो, तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने कोई बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात, उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है, और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता।